अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी उठा हूँ मैं। नहीं, सुबह नमाज पढ़ के सोया था, उसके बाद अभी तो काम वाम मैं नहीं करने को, तो ऐसे ही है। अभी वैसे भूख बहुत लग रही है और बाल कटवाने हैं मुझे आज। मौसम काफ़ी अच्छा हुआ, अब ज़रा चेक तो करें। छत पे कोई जगह नहीं है रखने के लिए, तो इस वजह से मशीन जिंदाबाद। आपको पता होगा कि स्कूल में बड़े बाल रखने अलाउ नहीं होते, तो तब उस जमाने में बड़े बाल रखने का मुझे बहुत शौक था और मैं बहुत बड़े बड़े बाल रखता था। तो अब देखो कोई रोकने वाला नहीं है, तो अभी बाल इतने बड़े नहीं हुए, तो ऐसे अजीब सी उलझन हो रही है कि बड़े हो गए हैं इनको कटवा लो, तो अभी वो कटवाने जा रहा हूँ। कटिंग और खाना वगैरह खा लिया मैंने, तो अभी मुझे एक और काम भी है, मैंने अपना जूता लेने जाना है। मगर अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं, घड़ी जिस हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है उसी हाथ पे घड़ी है, इस वजह टाइम दिखा नहीं सकता। 6 बज गए हैं, तो दुकानें बंद होने का भी ज़रा सीन होता है, इस वजह से फिर कल चले जाएंगे। मगर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आज की हमारी स्टोरी मास्क के मुतालिक है, और मास्क का सीन ऐसा है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो बहुत से लोगों ने मास्क को बड़ी मुश्किल से अडॉप्ट किया था। कुछ ने डर की वजह से पहने रखा, कुछ को मिला नहीं, और कुछ ने कहा कि कोरोना है ही नहीं। दूसरी लहर आई तो लोगों ने मास्क को अडॉप्ट किया हुआ था और मास्क में थोड़ी सी क्रिएटिविटी आ गई। अब कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, कहते हैं कि बहुत इंटेंस है, तो अब मास्क में फैशन आ गया है। लोग एक्टर्स को देखते हैं, उन्होंने बड़े स्टाइलिश मास्क पहने होते हैं, वहीं से इंस्पिरेशन लेके लोग भी स्टाइलिश मास्क की तरफ आ गए। मगर मसला ये है कि वो मास्क ऑनलाइन मिलते हैं और वो ज़रा महंगे मिलते हैं, फिर डिलीवरी चार्जेस पड़ के तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मगर अगर आप गुजरांवाला से हैं या करीबी किसी शहर से हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑफलाइन किसी किस्म का, किसी भी डिज़ाइन का, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए मास्क खरीद सकते हैं स्टाइलिश टाइप। मेरे पास पहला मास्क था ऐसे ही, और अब मैंने ये थोड़ा सा स्टाइलिश मास्क लिया, ये वाला। इसमें फिल्टर है और थोड़ा सा अच्छा है, कन्वीनियंट इस तरह है कि उस मास्क में बात करते हुए ऊँट लगते हैं, बूढ़ा लगता है, थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। तो ये मास्क जो है इसमें इस तरह का सीन नहीं है, पहने हुए कुछ इस तरह का लगता है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं कल गया था, मैं वहाँ से लेके आया था, तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, लोकेशन भी उसी वीडियो में बताई है। तो यही थी आज का व्लॉग, मिलते हैं कल। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को फुल प्रोफेशनल कोई अपनी मर्जी का फैशन के मुताबिक मास्क लेना है, तो ये भाईजान है, इनके पास आ जाए। ये ऑपोजिट टू सुपीरियर कॉलेज है, ये पीछे मेरा सुपीरियर कॉलेज है, तो पिंडी बाईपास से शहर की तरफ जाते हुए ये रास्ते में आते हैं, तो इनके पास ये मुकम्मल वैरायटी है मास्क की।